गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। क्लास 9th इंग्लिश में बुक बिहाइंड से आपका अध्ययन किया जाए कराया जा रहा है। लेसन 4 आज पढ़ेंगे। लेसन 4 में आप ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, आप बिहाइंड बुक से पढ़ रहे हैं। आप ये बुक देख लीजिए, फिर से इसी से आपको पढ़ना है, ठीक। अब इसके जो लेखक हैं ये हैं कंपेल्ड, और इस लेसन में एक सुंदर मस्तिष्क जिसका हो सकता है उसका पिक्चर आपको सामने में आपके सामने प्रस्तुत है। ये प्रतिभाशाली व्यक्ति जिनका नाम जीनियस व्यक्ति, जो वैज्ञानिक भी थे और गणित और भौतिक शास्त्र में उनकी रुचि थी, उन्हें भौतिकी में नोबल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। जी हाँ, इनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। जो आपने नाम सुना है, ठीक। चलते हैं आप क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन व्हाट द रीजन फॉर द फॉलोइंग आर। आइंस्टीन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड। आइंस्टीन जो है वो स्कूल म्यूनिक की कोई स्कूल में आइंस्टीन का हमेशा के लिए म्यूनिक जो है छोड़ना, क्यों छोड़ा गया। आंसर, आइंस्टीन डिड नॉट लाइक स्ट्रिक्ट ऑर्डर। आइंस्टीन जो थे वो स्ट्रिक्ट ऑर्डर को पसंद नहीं करते थे, एंड डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल ही हैड क्लैश्ड विद द टीचर्स आल्सो। उनका टीचर्स से अनुशासन और व्यवस्था उन्हें पसंद नहीं थी इस स्कूल की। विद्यालय के जो शिक्षकों से वे हमेशा कुछ ना कुछ बोल पड़ते थे। क्वेश्चन नंबर 2, आइंस्टीन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रेदर देन इन म्यूनिक। आइंस्टीन म्यूनिक की जगह स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहते थे। His parents moved to Milan. They left Einstein with their relatives. Einstein convinced his parents to continue his education in Switzerland. उनके माता पिता मिलान चले गए थे। मिलान एक जगह का नाम है। वे आइंस्टीन को उनके रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ आए थे। आइंस्टीन ने अपने माता पिता को सहमत किया कि वह अपनी पढ़ाई स्विट्जरलैंड में जारी रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू बीज टेल यू अबाउट आइंस्टीन। उपरोक्त बातें तुम्हें आइंस्टीन के बारे में क्या बताती हैं। आंसर, बीज टेल दैट आइंस्टीन वाज नॉट एन ऑर्डिनरी बॉय। ही हैड द क्वालिटीज दैट वुड मेक हिम ग्रेट इन फीचर्स, एंड दिस ही डिड शो इन हिज डिस्कवरीज। यह बताते हैं कि आइंस्टीन एक साधारण जो है बॉय नहीं थे। उनमें वे गुण थे जो उन्हें भविष्य में महान बनाते हैं, और उन्होंने ही अपनी खोजों में बताया, इसीलिए वह बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। क्वेश्चन, हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाने पर आइंस्टीन ने क्या प्रतिक्रिया की। आंसर, द बॉम्ब हैड कॉज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन। आइंस्टीन वाज डीपली शॉक्ड एट दिस। ही रोट अ पब्लिक लेटर टू द यूनाइटेड नेशंस टू कंटेन द आर्म्स रेस। बम के कारण बहुत बड़ा विनाश हुआ था। आइंस्टीन को भारी आघात लगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक पत्र लिखा कि इस अस्त्र शस्त्र की होड़ पर नियंत्रण किया जाए। उनको डर था कि इन घटनाओं से विश्व की शांति को बड़ा खतरा है। Why does the world remember Einstein as a world citizen? मतलब विश्व नागरिक। आइंस्टीन को हमेशा विश्व नागरिक के रूप में क्यों याद।
आंसर द वर्ल्ड रिमेंबर्स आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज ही वॉज ग्रेटली कंसर्न अबाउट द वर्ल्ड सेफ्टी द वर्ल्ड वॉज आफ्टर द आर्म रेस ही वॉज वरी दैट द एटम बॉम्ब्स कुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इफ द कंट्रीज मेड एन एक्सप्लोडेड देन विश्व आइंस्टीन को एक विश्व नागरिक मानकर याद करता है वो इसलिए कि वे विश्व की सुरक्षा के बारे में चिंतित हुआ करते थे विश्व शास्त्रों की होड़ के ये विरुद्ध है वे चिंता करते थे कि अणु बम विश्व को नष्ट कर देगा यदि विश्व के देश इसको बनाएंगे तो उनका विस्फोट कर देंगे आपको होमवर्क है रीड द लेसन केयरफुली यानी आपको पढ़ना है लेसन यानी कहानी को पाठ को सावधानी से पढ़ना है और स्पेलिंग अच्छे से देखनी है राइट क्वेश्चन एंड आंसर इन नोटबुक आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे और एक इम्पॉर्टेंट होमवर्क है कि आपको जो कठिन शब्द हैं जो आपको डिफिकल्ट वर्ड्स हैं ठीक है आपको इसको भी लिखना है जो क्वेश्चन आंसर में आए थे कठिन शब्द उनको आपको लिखना है ठीक है प्रैक्टिस करनी है ओके थैंक यू